हाँ तो भाई लोग, आज मैं आया था एथर के शोरूम में, और ऐसी एक बवाल गाड़ी लॉन्च हुई है रिश्ता की, मतलब एथर की, जो कि आपका दिल खुश कर देगी। और प्राइस रेंज की हिसाब से देखा जाए, वैल्यू फॉर मनी आप देख रहे हो, एक इलेक्ट्रिक स्कूटर अगर इंडियन मार्केट्स में, इंडियन वेरियंट्स में, और इंडियन लोग जब खरीदने जाते हैं तो ये एक देखते हैं, अच्छा माइलेज होना चाहिए, कम बजट में आ जाना चाहिए, अच्छे फीचर्स के साथ में होना चाहिए, और मतलब आगे जा करके भी कभी धोखा ना दे कि कहीं बंद हो गई, कहीं पड़ गई, तो ऐसा कुछ फीचर्स, मतलब थोड़ा सा अगर पॉजिटिव वे में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे अच्छे इलेक्ट्रिक स्कूटर्स लॉन्च हो जा रहे हैं, रोज हो रहे हैं, लेकिन कितने सारे गाड़ियों लॉन्च होने के बाद भी सिर्फ दो ही नाम चलता है, ओला और एथर। यही एक ब्रांडिंग अभी बन चुकी है इंडियन मार्केट्स में, जो कि आपको हर वेदर के हिसाब से, हर कंडीशन के हिसाब से, और हर पीपल के हिसाब से इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, और हर चीज़ जरूरत नेसेसरीज को प्रॉपर फॉलो करता है और हर ज़रूरतों को पूरा करता है। तो ऐसे ही मैं लेकर के आ चुका हूँ मैं एथर के शोरूम में, और रिश्ता की जेड प्लस आज मैं वीडियो रिव्यू कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसका चेसिस की मैं बात करूँगा, हर एक अंदर से लेकर के पार्ट की बात करूँगा, उसके बाद ऊपर की बात करूँगा। तो सबसे पहले आप चेसिस देख लेते हो इसका, ये स्पोर्ट्स मॉडल का है, लेकिन आपको देखने को मिल जाएगा चेसिस जो कि एल्यूमिनियम के साथ में इसका चेसिस देखने को मिल जाता है, और ये एल्यूमिनियम चेसिस ये वर्क करता है कि गाड़ी गिरने के बाद भी, आपको टिल्ट होने के बाद भी, मतलब ये मुड़ती नहीं है, टूटती है तो मतलब टूटती नहीं, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। आगे का देखोगे तो एल्यूमिनियम में ही आपको देखने को मिल जाता है। बाकी अब इसमें देखोगे तो मोटर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे, बैटरी आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है, बाकी पूरा ही बॉडी आपको मेटल में देखने को मिल जाता है। बस यही कुछ चेसिस है जो कि आपको पूरी गाड़ी में ही देखने को मिल जाती है, बाकी सभी गाड़ी इंजन से लेकर के चेसिस तक में जेड एस जेड प्लस में आपको देखने को मिल जाती है। जो रेंज है मैंने पहले भी बात कर चुका हूँ, एस जेड और जेड प्लस में क्या देखने को मिल जाता है डिफरेंसेस, तो उसका आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पर सब्सक्राइब कर लो, और लिंक आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप विजिट भी कर सकते हो, आपको देखने को मिल जाएगा। तो बाकी सबसे पहले आप देखोगे टायर सेगमेंट्स के लेकर के हर एक चीज़ में, मतलब इतना ज़्यादा लाइट वेट स्कूटर है हर एक रेंज के हिसाब से। अब बहुत से लोग अट्रैक्टिव होते हैं ओला पे इसलिए क्योंकि भाई उसमें आपको देखने को मिल जाता है स्पीकर, और स्पीकर की वजह से बहुत लोग अट्रैक्टिव होते हैं, तो इसमें आपको स्पीकर देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाकी ऐसे ऐसे फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं जो कि आपको वर्क करेंगे। तो सबसे पहले आज मैं बात करने वाला हूँ रिश्ता जेड प्लस, इसमें आपको देखने को मिल जाता है, अभी एथर ने नया नया लॉन्च किया है, इसमें आपको तीन वेरिएंट देखने को मिल जाता है, ये फैमिली पर्पस के हिसाब से ये इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाया गया है। अब ये तीनों वेरिएंट्स में आपको क्या क्या मिल जाते हैं, तो सबसे पहले एस वेरिएंट की बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा आपको लाइट मार देता हूँ अगर आपने पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो। एस वेरिएंट में जाते हो तो आपको तीन कलर्स वेरिएंट ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, उसमें आपको मोनोटोन में ही देखने को मिल जाएंगे तीनों कलर्स, और बाकी उसके बाद में आता है जेड, जेड वेरिएंट में जाते हो तो उसमें आपको सात कलर्स देखने को मिल जाते हैं ऑप्शंस, और ये सातों, ये जेड का मैंने रिव्यू कर चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लो, डुअल टोन कलर में साथ में आ जाते हैं, इसमें ब्लैक का और वाइट का कॉम्बिनेशन ज़्यादा करके इसमें यूज किया जाता है। अब तीसरा जो अपना वेरिएंट आता है जेड प्लस, जेड प्लस में आपको तो ये डिफरेंसेस देखने को मिलेगा, एस और जेड में जाते हो तो उसमें आपको 2.9 किलोवाट की बैटरी देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आप जाते हो जेड प्लस में तो 3.7 किलोवाट का बैटरी देखने को मिल जाता है। अब बैकअप की बात करो और ट्रू रेंज की बात करो तो उसमें आपको 1,40,000 से लेकर के स्टार्टिंग हो जाती है इसकी बेस मॉडल, मतलब एस मॉडल 1,58,000 इसकी मेड वेरिएंट देखने मिल जाती है ओ वाली, और उसमें इसमें डिफरेंसेस क्या है जेड और जेड प्लस में, तो सबसे पहले प्रोपेक का इसमें डिफरेंसेस है और बैटरी का डिफरेंसेस है। अब एक से डेढ़ घंटा आपको एक्स्ट्रा लगेगा, लेकिन आपको माइलेज की बात करूँ तो आपको 125 PML माइलेज यहाँ पे कंपनी क्लेम करती है, मतलब एक साथ में आप जा सकते हो। टॉप स्पीड की बात करूँ तो 23 से लेकर के 78 किलोमीटर पर आवर का इसमें टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है राइट साइड में, तो ये जो आप डुअल कलर टोन देख रहे हो तो ये व्हाइट का, और अब ये कलर का मैं आपको ऑप्शंस मतलब ये डाल दूंगा डिस्प्ले पे, अब ये कलर मैं थोड़ा सा भूल चुका हूँ। और बाकी इसकी बात करूँ तो रिश्ता जेड प्लस में आपको रिश्ता जेड प्लस में देखोगे तो डिफरेंसेस आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, टॉप मॉडल लिया है या फिर आपने मिड वेरिएंट लिया है उसमें आपको पता ऐसे चलेगा, क्योंकि भाई उसमें आपको बैटरी का ही बैकअप देखने को मिल जाता है, बाकी प्रोपेक आप लेते हो तो उसके साथ में आपको नेसेसरी लेना ही पड़ेगा, उसमें आपको 3 साल का गारंटी आता है और ये इस कंपनी क्लेम करती है। यहाँ पे आप देखोगे तो व्हाइट कलर में थोड़ा सा पट्टी देखने मिल जाता है, एरोडायनेमिक्स हिसाब से यहाँ पे देखने मिल जाता है। अभी के टाइम पे अगर आप लेते हो तो अभी ऑफर ये चल रहा है कि सभी गाड़ियों पे आपको एक्सेसरीज लेना ही पड़ेगा, नेसेसरी है। यहाँ पे आप फुटरेस्ट के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक फुटरेस्ट देखने मिल जाएगा पिलियन के हिसाब से। अगर सीट की बात करूँ तो कम्फर्टेक सीट देखने मिल जाती है राइडर और पिलियन के साथ में, यहाँ पे तीन लोग आराम से बैठ सकते हैं, कॉलेज स्टूडेंट अगर आप देख रहे हो तो उसके हिसाब से भी आपको देखने मिल जाता है, फैमिली पर्पज़ के हिसाब से तो मिल ही जाता है। 56
56 लीटर का आपको बूट स्पेस देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आप फ्रंट में देखते हो तो 22 लीटर का बूट स्पेस देखने को मिल जाता है, जो कि यहाँ पे आप कुछ लगेज कैरी करना है तो अगर आप लगेज कैरी करना चाहते हो तो यहाँ पे लगेज कैरी कर सकते हो। चार्जिंग का स्टेशन यहाँ से देखने को मिल जाता है, चार्जिंग यहाँ से आप कर सकते हो चार्ज करने का ऑप्शन। यहाँ पे आप देखोगे तो जो इसका इतना बड़ा मतलब इलेक्ट्रिक स्कूटर है एथर का, ऐसा आपको कुछ की देखने को मिल जाता है। कि हाईलाइटेड फीचर्स की बात कर रहा हूँ मैं। राइट साइड में आ जाते हो यहाँ पे तो राइट साइड में रिवर्स मोड देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दो मोड देखने को मिल जाते हैं, जीप मोड और यहाँ पे इकोनॉमी मोड। यहाँ पे मैं इसे ऑन करता हूँ, उसके पहले सेल्फ बटन यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे आपको जॉयस्टिक देखने मिल जाएगा, पासिंग स्विच, हाई बीम, लो बीम देखने मिल जाता है, टर्न इंडिकेटर्स देखने मिल जाता है, यहाँ पे हॉर्न की देखने को मिल जाती है। बाकी इसको मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे तो ये देख लो रिश्ता का यहाँ पे ब्रांडिंग देखने मिलेगा, यहाँ पे कितना किलोमीटर अभी चलने वाला है वो भी शो करेगा, और यहाँ पे आपको बैटरी बैकअप भी कितना अभी चार्ज है वो भी बता रहा है। बाकी और भी ज़्यादा जानकारी के लिए यहाँ पे से आपको करना है, और मोटर ऑफ है अभी तो इसके लिए उतना ज़्यादा बता नहीं रहा है। बाकी इसका मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसका भी आप लोग देख सकते हो। बाकी यहाँ पे टाइम इंडिकेटर्स हर चीज़ शो करता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी साथ में अगर आप प्रो पैक में लेते हो तो हर एक चीज़ मतलब कहाँ पे गाड़ी चल रही है, कितने किलोमीटर पे आपका सर्विस सेंटर है, कितने किलोमीटर और चलना है, उसमें रोड साइड असिस्टेंस देखने मिल जाता है, गूगल के साथ में जो असिस्टेंस रहता है वो आपको देखने मिल जाता है। मतलब हर एक चीज़ कंपनी के हिसाब से दिया गया है, जो कि अगले नेक्स्ट जनरेशन फ्यूचर के हिसाब से इसमें हर एक चीज़ वो आपको देखने मिल जाती है, प्रोवाइड करी गई है। अब यहाँ पे फ्रंट लुक से बात कर लेता हूँ तो ब्लैक में आपको ब्लैक, व्हाइट और ये यहाँ पे बैगनी कलर, मतलब तीन कलर का कॉम्बिनेशन देखने मिल जाता है। ब्लैक में आपको पूरा ही ये सेटअप देखने मिल जाता है, ये विंड स्क्रीन देखने मिल जाता है। ये जो एरोडायनेमिक्स हिसाब से लगता है कि कहाँ कोई देख रहा है, यहाँ से कोई लाइट व्हाइट थोड़ा सा रहता तो और भी अच्छा लगता। बाकी DRLs की बात करूँ तो DRLs इसमें देखने मिल जाता है LED में। एथर की ब्रांडिंग जगह जगह पे की गई है, एथर की ब्रांडिंग यहाँ पे भी देखने मिल जाती है, एथर की ब्रांडिंग लाइट में भी देखने मिल जाती है, पासिंग स्विच यहाँ पे देखने मिल जाते हैं। तो देख लो काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्राइटनेस है और आपको पता भी चलेगा। बाकी ये देख लो मेटल बॉडी देखने मिल जाता है, रिफ्लेक्टर यहाँ पे देखने मिल जाता है। यहाँ पे आप देखोगे तो टेलीस्कोपिक फ्रंट फोक देखने मिल जाते हैं, MRF नायलॉन रिंच जेपर्स के टायर देखने मिल जाते हैं, 19-19-12 इंच के अलॉय के साथ में आते हैं, और पीछे की बात करूँ तो 100x80 12 इंच के अलॉय के साथ में आ जाते हैं। अब इन दोनों की माइलेज की बात कर लेता हूँ तो आपको कंपनी क्लेम कर ही रही है 125 km/h की माइलेज और 70 तक का इसका टॉप स्पीड देखने को मिल जाता है। बाकी मोटर्स की बात कर लेता हूँ तो मोटर पे कंपनी 5 साल की गारंटी देती है। यहाँ पे सेंसर्स ऐसे ऐसे लगाए गए हैं जो कि आपको इंडियन मार्केट्स में तो बहुत कम गाड़ियों में आपको देखने जाते हैं। उसके पहले प्रिलिन के साथ में यहाँ पे बैठते हो तो 3 लोग के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा स्पेस देखने मिल जाता है। 34 लीटर्स का बूट स्पेस आपको रियर में देखने मिल जाता है, आराम से 2 लगेज कैरी कर सकते हो, 2 हेलमेट आराम से आ जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे तो चार्जिंग का ऑप्शन देखने मिल जाता है, ये देख लो यहाँ पे आपको चार्जिंग का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। अब बोलोगे ये ऐसा कैसा चार्जिंग है, कि ऐसा है ये इसमें आपको अलग से एथर की तरफ से ही दिया जाएगा, आपको खरीदना पड़ेगा। और यहाँ पे टाइप बी टाइप सी कोई भी चार्जर लगा सकते हो, यहाँ पे एक सॉकेट आएगा और उसे आप चार्जिंग करने के लिए यूज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखोगे तो लाइटिंग देखने मिल जाती है यहाँ पे, मतलब नाइट विजन में कहीं जा रहे हो LED में देखने मिल जाती है, लेकिन थोड़ी सी गर्म मुझे लग रही है। और बाकी इसका ये हो गया फीचर्स। अब इसी के साथ में ये देख लो बंद करने के लिए यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है टांगने के लिए, ताकि आपको कुछ तकलीफ ना हो। अगर आप 2 मिनट भी यहाँ पे करते हो मतलब 2 उंगली भी, तो यहाँ पे फंसने लगता है, यहाँ पे आपको पकड़ के करना पड़ेगा। यहाँ पे राइडर के और प्लेन के बैठने के लिए काफ़ी अच्छा फुटरेस्ट तो देखने को मिल ही जाता है। यहाँ पे हेडरेस्ट बैकरेस्ट देखने को मिल जाता है, और ये इसी कुशनिंग भी काफ़ी सॉफ्ट है, पीछे से पकड़ने के लिए भी पिलन के लिए काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है यहाँ पे ग्रैब हैंडल। और लेफ्ट साइड से भी देखोगे तो एरोडायनेमिक्स हिसाब से पूरा ही लुक आपको देखने को मिल जाएगा। अब इसके फीचर्स की बात करूँ तो आपको मैजिक असिस्ट देखने को मिल जाता है, मैजिक असिस्ट देखने को मिल जाता है जो आप जेड और जेड प्लस लेते हो तो उसी वेरियंट में आपको देखने मिल जाता है। जब आप एक्सेलेरेटर देते हो गाड़ी आगे बढ़ती है, बाद में कहीं कहीं पे कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आता है जैसे गड्ढा वड्ढा आ गया छोटा, तो हमको कम ज़्यादा करना पड़ता है एक्सेलेरेटर, उस टाइम पे आप एक्सेलेरेटर कम करते हो तो अपने आप ही ब्रेक लगने सडन चालू हो जाते हैं, आपको ब्रेक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। और इसमें सेंसर्स की बात करूँ तो मतलब हर वेदर के हिसाब से, हर वेदर कंडीशन के हिसाब से इस गाड़ी को बनाया गया है। तो अगर आप बड़े बड़े गड्ढे पे लेकर के जा रहे हो, ऑफ रोडिंग कर रहे हो, तो उसमें अपने हिसाब से ये एडजस्ट हो जाता है, सेंसर इसमें लगा हुआ है। यहाँ पे आपको नायलॉन रिजेपर्स के टायर देखने मिल जाते हैं रियर में, पीछे का जो लुक है वो भी आपको मैंने दिखाई दिया है। अब एक बार मैं इसे टेल लैंप दिखा देता हूँ इसका, हो गया।
तो बाकी कैसी लगी ये वाली गाड़ी इस प्राइस सेगमेंट में और इस प्राइस रेंज में? क्या आप 2024 में लेना चाहोगे? आप लोग कमेंट करना, बताना ज़रूर। और ऑल स्पेशल थैंक देना चाहूँगा गुजरात के वापी एथर में एथर की, जिन्होंने अपनी गाड़ी प्रोवाइड करी हमें वीडियो बनाने के लिए। और भी ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो इनको। और बाकी मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में, और डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों ही मिल जाएगा। तो जल्दी से जल्दी आओ, मौके का फ़ायदा उठाओ और लेकर के जाओ। तो बाकी मिलता हूँ उस नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद जय भारत।